आज हम लोग करने वाले कंप्लीट रिव्यू ऑफ ओकाई स्कूटी, जो कि हम लोग को प्रोवाइड करती है ओकाई। और ये ओकाई वो ऐसी वैसी ओकाई कंपनी नहीं है, ये हमारी पहले से भी बैटरी बनाती है। आप लोगों के घर में भी होगा ओकाई की बैटरी और इन्वर्टर, तो वही आजकल बना रही है इलेक्ट्रिक स्कूटी। इसका आज हम लोग करने वाले रिव्यू। गाइड्स, आज आप लोगों को पूरा कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ हम लोग ओकाई स्कूटी के बारे में। क्या है इसके अंदर फीचर, क्या क्या प्रोवाइड करती है ओकाई हम लोग को। ये कोई नई कंपनी नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये कंपनी बहुत ही पुरानी है। आप लोग इन्वर्टर इसकी यूज़ करते होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले हेडलाइट से। गाइड्स, ये हमारी हेडलाइट, इसमें हम लोग को दो मोड मिलती है। सबसे पहले गाइड्स हम लोग की ये DRL जलती है, जो कि अभी अंधेरा होगा तो आप लोगों को दिखाई देगा, अभी तो लाइट है गाइड्स। और ये हमारी है मेन लाइट, जो आप लोगों को दूर तक रोशनी करती है। आपकी फर्स्ट में जल रही है, ये आपकी सेकंड हो गई। ये भी हम लोग जब अंधेरा होगा तब आप लोगों को हम लोग बढ़िया से दिखा देंगे, ठीक है गाइड्स। और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी ये वाली मिरर से, जो कि आपका भाई ने एक मिरर को हटा दिया जो कि क्रैक हो गई थी, तो इसलिए हम लोग ने एक मिरर रखा हुआ है। और गाइड, स्टार्टिंग में हम लोग को मिलती है डिस्क ब्रेक, और हम लोग को मिलती है इसकी डिस्क ब्रेक की क्वालिटी तो मुझे थोड़ी सी बेकार लगी, अपने तरफ से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अचानक से ब्रेक मारने से लगती नहीं है, बहुत रेयर चांस है। या मेरी वाली में प्रॉब्लम होगी या फिर सब में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है गाइड। फिर ये हमारी सस्पेंशन है, और सेम गाइड यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो इसकी मीटर क्लस्टर। इसमें हम लोग पहले देखते हैं, इसको बंद करते हैं, जब इसको हम लोग ऑन करते हैं तो गाइड इसमें पार्किंग लिखी आती है, और जैसे ही हम लोग ब्रेक दबाते हैं ये पार्किंग आप लोगों की हट जाती है। अब हम लोग बैठ के इसको आराम से चला भी सकते हैं। मैंने इसको स्टैंड उठाया, अब रुकिए इसको मैं चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अभी ये हम लोग की गाड़ी चलने लग गई और मारूंगा ब्रेक रुक जाएगी। और ये बैक है, फ्रंट वाली ब्रेक इसकी उतनी अच्छी नहीं है। और इसके हम लोग को इस साइड में मिलती है, जैसे कि आप देखते होंगे गाड़ी सब में आती है। ये हमारी क्रूज कंट्रोल, ये हमारी जो आप लोगों को मैं दिखाया कि मीटर हेडलाइट वाली लाइट की बटन है। ये हमारी रिवर्स, ये हमारी फ्रंट वाली, इसमें हम लोग को दो मोड मिलती है, रिवर्स और फ्रंट। और गाइड, इधर में हम लोग को आती है हाई बीम लो बीम की, और इधर हम लोग की हॉर्न है, और इधर हम लोग की इंडिकेटर का बटन है। और गाइड, ये हम लोग की नॉर्मल ब्रेक है, और ये आप लोग हम लोग की है डिस्क ब्रेक। एंजॉय करिए सिनेमैटिक शॉट और बताइए कैसी लगी। गाइड, इसके अंदर हम लोग को मिलती है ये बैटरी, जो कि आप लोग एक घंटे चार्ज करने पर 0 से 100 चार्ज हो जाती है। अभी जैसे कि 91 है, और ये आपकी वोल्ट देती है 49.4 की। और अभी तो चार्जिंग की कुछ है नहीं, लोड भी अभी कुछ नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग लोड देते हैं इसको, और अगर चलाते तब पता चलेगा लोड, ऐसे तो पता चलने वाला नहीं है, ठीक है। और हम लोग इसको 70 किलोमीटर तक चला सकते हैं फुल चार्ज में। और फिर गाइड, इसकी जो आगे में तो मोटर नहीं है, पीछे में मोटर है गाइड्स। एक मोटर है, एक बैटरी दी गई है, वो भी ओकाई की है। और गाइड्स की जो टॉप स्पीड है वो 25 है बस, और आप लोग चाहे तो बढ़वा सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जो कॉस्ट हमें भी अभी तक नहीं मालूम है। जब उसकी फर्स्ट सर्विस कराने जाएंगे तब भी हम लोग वीडियो शूट करेंगे, तब आपको बता देंगे कि कितनी किसकी टॉप स्पीड है, क्या है, ठीक है। और गाइड्स की मीटर प्रोफाइल की हम लोग बात कर लेते हैं। LED स्क्रीन है जिसमें पार्किंग आती है, और अभी तक 305 किलोमीटर तक चली हुई है बस। और गाइड, जैसे हम लोग मीटर को जैसे हम लोग इसको ऑन करते हैं, तो इसमें बहुत सारी आपकी प्रोफाइल लिखी रहती है, कैसे क्या से मिलती है। अभी गाइड इसकी बैटरी मीटर अभी काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग चेक करवाएंगे। और गाइड 48 इसमें जो दिखा रही है, ये 48 आपकी वोल्ट दिखा रही है कि 48 वोल्ट ये ले रही है। और जब हम लोग इसको चलाते हैं तब इसमें आपकी रेंज बताती है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्रिप सेट कर सकते हो, है कि नहीं वो अभी तक हमको भी नहीं मालूम है। कंपनी में जब पहली सर्विस कराने जाएंगे तब आप लोगों को भी हम बताएंगे, कंपनी वाले से पूछ के, और आप हम भी अपने बारे में जान लेंगे। और गाइड्स में जो आप लोगों को मैंने जो बताया DRL, इसमें गाइड 2 DRL है। इंडिकेटर में भी हम लोग को DRL मिलती है, बस में हम लोग को वाइट लाइट मिलती है बस। और गाइड्स इसकी जो वेट है वो मात्र 50 kg है बस, और कोई और ज़्यादा वेट है नहीं इसमें, और जो भी वेट है बैटरी की वेट है बस। और गाइड्स के आप लोगों को जो इसमें लोड लेती है, आप लोग भी 1 टन मतलब कि 150 किलो तक की ये आपकी वेट उठा लेगी आराम से, इजीली। आप अपने साथ आप कम से कम 2 चीनी बोरा आप लोग आराम से लोड कर सकते हो अपने साथ वजन। और अगर चाहते हो कि हेवी लोड, तो आप लोगों की माइलेज थोड़ी कम हो जाएगी,
70 की जगह 60 देगी, 65 देगी, बस ये इसकी कुछ फीचर थी। गाइड्स ये थी हमारी ओकाई स्कूटी की रिव्यू, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। और गाइड्स आप लोगों को अगर इसी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर चाहिए रिव्यू तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में भी बता दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी और आप लोगों को क्या चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, और तो उस हिसाब से हम लोग फिर वीडियो को शूट करेंगे। और अभी जल्दी ही आप लोगों के लिए एक तो बड़ी सरप्राइज आने वाली है जो कि मेरे चैनल पे ही रिलीज होगी, और उसको भी एडिट हिमांशु भाई करेंगे जो अभी कैमरा पैन पकड़े हुए कैमरा को। गाइड्स चलिए वीडियो करते हैं, इसी तरह के मैं अमेजिंग अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। चलिए मिलता हूँ सीधा मैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।